हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज के हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 50 नेक्स्ट जनरेशन के मिडिल वेरिएंट की, जो कि है स्टैंडर्ड ब्लैक, आप इसको कह सकते हो। इसमें दो कलर आते हैं, एक मरून कलर भी आता है आपका। तो डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस आपको देखने को मिलता है, क्यों आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो पहले तो ओवरऑल लुक देख लो भाई बाइक का, कितना शानदार लुक आपको देखने को मिलता है चारों तरफ से। काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ ये वाली बाइक आती है और मिडिल वेरिएंट है ये, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है भाई जो रियल बुलेट वाले लोगोज वगैरह जो हैं इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और अपडेटेड बुलेट 350 अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस बाइक की तरफ आप जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ ये वाली मोटरसाइकिल आती है, प्योर रेट्रो लुक्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो 2,30,000 रुपये इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर विदाउट एनी एक्सेसरीज। 2,30,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस इस बाइक का, और इस प्राइस के अनुसार काफ़ी बढ़िया ये वाली बाइक है। स्पोक व्हील्स के साथ आती है, बुलेट सीरीज़ पूरी स्पोक व्हील्स के साथ आती है, कहीं पे भी आपको अलॉय व्हील्स का कंपनी फिटेड जो है ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। 350cc का इस बाइक के अंदर लेटेस्ट आपको जे सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको 20.2 BHP की पावर निकाल के देता है 27 Nm के टॉर्क के साथ। बिल्कुल अपडेटेड इंजन है ये, काफ़ी रिफाइन इंजन है, बिल्कुल ना के बराबर इसके अंदर वाइब्रेशन है। और ये इस बाइक के देख लो कंट्रोल्स वगैरह कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। 35 तक का माइलेज आप आराम से इस बाइक से अचीव कर सकते हो अगर आप इसको बढ़िया से राइड करते हो तो। 120 तक की मैक्सिमम आपको टॉप स्पीड मिलती है। 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक आपको मिलता है, लोगो देख लो, हैंड पेंटेड टैंक के ऊपर ये गोल्ड कलर की आपको लाइन्स मिलती हैं, जो कि अपने आप में भाई इस बाइक की एक खासियत है। और 35 तक का माइलेज आपको मिलता है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज आप एक बार के फुल टैंक में अचीव कर सकते हो अगर आप इसको बढ़िया से राइड करते हो तो। 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अप, और आपको जो है सिंपल सिस्टम देखने को मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इस बाइक के अंदर यूज़ करता है। 2 लीटर की आपको रिजर्व कैपेसिटी मिलती है, काफ़ी बढ़िया इसके अंदर आपको जो है सीट मिलती है, सिंगल सीट, काफ़ी कंफर्टेबल ये वाली जो है सीट है। और ये देख लीजिए इसके कुछ कंट्रोल्स वगैरह, यहाँ पे लाइट इंडिकेटर हॉर्न वगैरह के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, और राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और हजार्ड लाइट का बटन भी मिलता है, पावर स्टार्ट का बटन मिलता है। ये है इस बाइक का सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि काफ़ी शानदार है भाई। छोटी सी MID मिलती है जिसमें आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, जरूरत की सभी चीज़ें मिलती हैं। राइट साइड में जो है आप ट्रिप नेविगेशन जो है इंस्टॉल करवा सकते हो। USB चार्जिंग भी इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती है। हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, इंडिकेटर्स हो, सब कुछ आपको जो है भाई इसके अंदर हैलोजन में ही मिलेगा, कहीं पे भी आपको LED सेटअप वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक आते हैं, 41mm फोक्स, 130mm ट्रैवल के साथ रिफ्लेक्टर के साथ आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। रियर सस्पेंशन भी शानदार है बाइक का, ट्विन ट्यूब एमिशन शॉक एब्जॉर्बर्स, 6 डबल प्रोलोडेड के साथ पीछे वाला आपको सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूल चैनल ABS आता है, ड्यूल डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, फ्रंट में 300mm की और रियर में 270mm की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। फ्रंट व्हील 19 इंच का आता है, रियर व्हील आपको 18 इंच का मिलता है। फ्रंट टायर जो है 190mm का मिलेगा और रियर टायर आपको 120/80/18 का देखने को मिलता है। ट्यूब टाइप टायर आते हैं इस बाइक के अंदर, क्योंकि स्पोक व्हील्स हैं तो ट्यूबलेस तो नहीं आएंगे आपके। और 195 kg बाइक का वेट है, 805mm की आपको सीट हाइट मिलती है, 1390mm का व्हील बेस मिलता है, 170mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जो कि पहले से काफ़ी इंप्रूव है। 2100mm की लंबाई मिलती है आपको, 785mm की चौड़ाई मिलती है, 1225mm की आपको हाइट मिलती है। और ड्यूल रोड चेसिस मिलती है, जिसको रॉयल इनफील्ड ट्विन डाउन ट्विन स्पिन फ्रेम बोलती है, जो कि काफ़ी शानदार आपको जो है चेसिस इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, उसकी वजह से वाइब्रेशन वगैरह रिड्यूस हुए हैं। रिलायबल बाइक है भाई, कंफर्टेबल बाइक है, वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बढ़िया सी रीसेल वैल्यू आपको मिलती है, तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। आज वीडियो में इतना था, वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।